इस जगह का नाम है हरिद्वार। यतो विनिर्गता गंगा ख्याता भागीरथी भुवि यन्ना मोचाणात् पुंसाम पापयामस्त्रस्तदा। यहाँ जीव हर प्रकार के पापों से जाकर के मुक्त हो जाता है। गंगा द्वारंच के प्यायु केचन मायापुरी पुनः। यहाँ माया भगवती साक्षात जगदम्बा चामुंडा यहाँ पर विराजित है। माँ भगवती जगदम्बा का यह स्थान रहा है, इसलिए इसका नाम मायापुरी है, इसलिए इसका नाम है मायापुरी। भगवान नारायण बद्रीनाथ जा रहे थे तो हरि की बॉडी से यहीं से प्रकट हुए, इसका नाम हरिद्वार। गंगा जी किलकिल कलरव करती हुई सबको मुक्त कर रही है, इसका नाम गंगा द्वार भी है। यतो विनिर्गता गंगा ख्याता भागीरथी भुवि यन्नमोचाण पुंसाम पापयातिस्त सहस्रदा। 1000 पाप कट जाते हैं सिर्फ गंगा कहने से। ये वर्णन है इसमें, सिर्फ गंगा गंगा कह दो 1000 पाप तत्काल समाप्त। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है खूब पाप कर लो फिर बोल दो गंगा गंगा गंगा। अनजान में होने वाले अपराधों को माँ भगवती गंगा भैया गंगा तो दिखाई दो जामे एक आधबेर, जमुना दिखाई दो एक ही बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रोता ये थोड़ी कहेंगे गंगा की जगह पे यमुना क्यों दिखा दी है, दर्शन करा दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें लिखा है कि सिर्फ गंगा शब्द का उच्चारण करने से 1000 पाप तत्क्षण कट जाते हैं, और आचमन कर लें स्नान कर लें तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है, फिर तो बहुत आनंद हो गया। वैकुंठश्चैक सोपानम हरिद्वार जगुर्जना अत्राप्लुतान रायान्ति विष्णु परम पदम। ये बिल्कुल निश्चित रूप से बात है कि हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर पहुंचकर भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करके तीर्थ उपवास कृत्यम निशाजागरणम तथा तीर्थ में पहुंचकर रात्रि को जागरण करके प्रातः स्नात्वाच गंगायाम तज्यास्त सप्रभतः। प्रातः मातु भगवती गंगा में स्नान करके, गंगा जी में जौ बोने की बड़ी महिमा है, जब भी कभी जाओ तो साथ इंद्र जौ लेकर के जाओ। इंद्र जौ के द्वारा व्यक्ति संभ्रांत बनकर धरती पर पुत्र बांधवों से सुमलंकृत होता हुआ द्वारा से धरती पर जन्म लेता है। जिसको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, गंगा जी में जौ बोने की बड़ी महिमा है। बहुत जोर, वैसे भी कोई बड़े शकुन के साथ जीता है ना तो कहते हैं वो तो गंगा जी में जौ बो करके आया है।